हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज बहुत टाइम बाद व्लॉग कर रहा हूँ, कुछ है आपको दिखाने के लिए। एक्चुअली मैंने दो पेयर ऑफ शूज़ मंगवाए थे आजियो से, अभी जो सेल चल रही थी आजियो बिग बोल्ड सेल, तो उसमें से मैंने दो पेयर ऑफ शूज़ मंगवाए थे। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, उनकी अनबॉक्सिंग करेंगे। एक्चुअली दिस व्लॉग इज़ अबाउट टू अनबॉक्सिंग, शुरुआत होगी अनबॉक्सिंग से और एंडिंग भी होगी अनबॉक्सिंग से, क्योंकि मेरे पास दो पेयर ऑफ शूज़ हैं। तो एक मैंने मंगवाया है रेड टेप का और दूसरा मंगवाया है द इंडियन गैराज। ये आजियो पे ही है कोई ब्रांड, पहली बार ही यूज़ कर रहा हूँ, तो दिखाता हूँ आपको अनबॉक्सिंग पूरी। सो गाइज, फर्स्ट आई एम गोइंग टू अनबॉक्स दिस शू। दिस इज़ रेड टेप एक्चुअली, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, अभी मैंने खुद भी नहीं खोला है, अभी आपके सामने ही देख रहा हूँ कैसा फर्स्ट इंप्रेशन क्या है। पैकिंग बहुत अच्छी है, आजियो की पैकिंग बहुत अच्छी होती है। एंड अभी देखते हैं इसको खोल के। आई एम नॉट यूजिंग एनी पेपर कटर एंड नाइफ, आई एम जस्ट यूजिंग माई हैंड। तो इसको फाड़ देते हैं और ये इसमें इन्होंने ये बिल चिपकाया हुआ है, अंदर भी एक बिल होगा। तो ये बिल है इसका। और गाइस आप देख सकते हैं, दिस इज़ रेड टेप बॉक्स आया है और इस बॉक्स के ऊपर लिखा है फ्लो प्लस मेमोरी फोम। मतलब मेमोरी फोम, मतलब जहाँ तक मेरे को समझ आता है, मेमोरी फोम इज़ लाइक आप इतना मतलब प्रेशर पहली बारी में कर दोगे उसमें तो वो मेमोराइज हो जाएगा, जहाँ तक मेरे को लगता है। अब पता नहीं बाकी आगे, मैंने यूज़ नहीं किया रेड टेप। सो अभी बॉक्स ओपन करते हैं, आपके सामने फर्स्ट टाइम ओपन करता हूँ। तो गाइस, दिस इज़ लुकिंग वेरी नाइस, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, ये बहुत अच्छा शू है। देखिए गाइस, मतलब कैसा लग रहा है आपको? मुझको तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बिग बोल्ड सेल में मेरे को सीरियसली बहुत सस्ता मिल गया है। आप इसका प्राइस चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इस शू का नाम भी डाल दूँगा, आप प्राइस चेक कर लेना। बहुत अच्छा शू है, इस इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसके अंदर से ये निकला है और ये है मेमोरी फोम। ये देखें आप मेमोरी फोम, जैसे पूमा में सॉफ्ट फोम आता है ना, तो वैसे इसमें मेमोरी फोम है, अच्छा है काफ़ी। चलो आई विल ट्राई इट, इसको ट्राई करेंगे बाद में। ये देखिए, इसके साथ ही टैग लगा हुआ है रेड टेप का, इसमें भी प्राइस मेंशन करा हुआ है। तो गाइस इसका प्राइस सीधी चेकआउट कर लेना, अच्छा शू है। मतलब यहाँ पे रेड टेप ने अपना लोगो प्रिंट किया है और लोगो मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का है, शू की क्वालिटी बहुत अच्छी है। चलो अब भाई आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट शू की अनबॉक्सिंग में। इसको रख देते हैं ऐसे ही, ये अपन यूज़ करेंगे जब भी यूज़ करेंगे, फिलहाल इसको ऐसे रख देते हैं बॉक्स में। सो गाइस, हियर वी हैव द सेकंड बॉक्स जो मैंने मंगाया है द इंडियन गैराज। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इंडियन गैराज वाला जो ब्रांड है, पता नहीं मतलब मैंने यूज़ नहीं किया, पहले आजियो पे ही देखा है। और चलो खोलते हैं इसको, कोई चाकू पेपर कटर की ज़रूरत नहीं, ऐसे खोल लेते हैं, अपनी अनबॉक्सिंग ऐसी होती है। तो इसको निकाल लेते हैं, इसके भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बिल चिपकाया हुआ है और इसके अंदर भी एक बिल मिला मेरे को, ये वाला देख लेना आप पहुँच सके। ये वाला तो सस्ता है, सीरियसली सस्ता है। और ओ माय गॉड, रबर बैंड भी है इसके पास। और ये देखो, ये है ब्रांड का नाम लिखा हुआ, रबर बैंड भी लगाया है भाई साहब इसमें, इतना बड़ा रबर बैंड भाई साहब, रबर बैंड भी देख लो आप कितना बड़ा लगा है। तो इसको करते हैं साइड,
और इसको करते हैं अनबॉक्स। भाई इसकी इसकी पैकिंग भी अच्छी है यार, मतलब सेम लेवल है, रेड टेप के लेवल की पैकिंग है। ओ भाई साहब, मतलब इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, सच बता रहा हूँ मैं आपको, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। अरे यार सीरियसली बहुत अच्छी है, नेक्स्ट टाइम भी खरीदने वाला हूँ फिर तुम्हें द इंडियन गैराज। लाइबिलिटी का पता नहीं बट सीरियसली मैन, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन इज गुड, दिस इज लुकिंग डैम कूल यार। कि जो अरे यार मतलब अच्छा फोन यूज किया है, ये देखो इसके अंदर लिखा है द इंडियन गैराज। अरे बहुत अच्छा शू है, मतलब ऐसे मैंने रेड टिप का देखा है बट भाई मतलब ये वाला कलर मेरे को पसंद आया था, और बिग बोर्ड सेल में आपको मैं बता भी नहीं सकता कितना सस्ता पड़ा मेरे को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अभी इसका प्राइस भी चेक कर लेना, बहुत अच्छा शूज़ है। इसका भी मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा नाम, थोड़ा सा मतलब मेरे को हैवी लग रहा है, जैसे रेड टेप वाला है मतलब थोड़ा हल्का लग रहा था बट ये थोड़ा सा ठीक है, पर अच्छा है यार, दिस इज कूल। चलो इसको भी रख देते हैं अभी, गाइस अभी मैं पहनने नहीं वाला हूँ, एक्चुअली आई एम शूटिंग दिस व्लॉग इन द नाइट, रात हो रही है अभी तो क्या ही करना, अभी कल पहनेंगे इसको, कल यूज़ करेंगे तो कुछ दिन बाद आपको रिव्यू देंगे अच्छे से। बाकी ये तो थी अनबॉक्सिंग, तो बिग बोल्ड सेल में मैंने ये दो चीज़ें ली थी, एक रेड टेप का शूज़ और एक ये वाला इंडियन गैराज का, नाइस क्वालिटी है। इंडियन गैराज पे मेरे को भरोसा नहीं था, ये वाला जो रेड टेप वाला था इस पे तो मेरे को भरोसा था, क्योंकि रेड टेप वाला मैंने यूज़ नहीं किया बट फ्रेंड्स लोगों के मैंने देखे हैं तो अच्छा था मेरे को, मतलब अच्छा ब्रांड है, बट इंडियन गैराज का नहीं पता, अच्छा है, दिस इज सो कूल। तो अभी इसको कल पहनेंगे तो दिखाएंगे आपको कैसा है, बाकी इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स वगैरह बनाएंगे तो उसमें दिख जाएगा आपको यार। सो जो फॉलो करना चाहता है तो कर सकता है, बाकी चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो यार, यूट्यूब पे तो अपन बना ही रहे हैं ना व्लॉग, तो यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर ही दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। बाकी अगर आपको मेरे पिछले व्लॉग्स, अभी के व्लॉग्स, कोई भी व्लॉग्स मतलब पसंद आते हैं तो कमेंट करें आप, जो भी आपके सजेशंस हैं क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ वो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई मीन टू से अनबॉक्सिंग, दिस इज काइंड ऑफ अनबॉक्सिंग व्लॉग, सो कमेंट छोड़ देना है और सब्सक्राइब जरूर लेना, अभी अपन को सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, तो जो भी उत्तराखंड और देहरादून से देख रहे हैं तो वो कर सकते हैं सब्सक्राइब, बाकी भी कर सकते हैं वैसे तो, बट उत्तराखंड वालों सपोर्ट तो करो, तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।